आप क्या बोल रही थी? मैं कह रही थी किस मुद्दे पर हो रहा है? अगर चुनाव हो रहा ना तो मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि आम लोगों में रामपुर के माहौल क्या है। रामपुर का माहौल तो डर में है, सही पूछिए तो। एक तो भाजपा प्रशासन का डर दिखा रही है बहुत ज़्यादा, दूसरी तरफ मंत्री जी को आज तक 40-45 साल हो गए चुनते हुए, तो उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं है। तो पब्लिक खुद डर में है और ना ही सोच पा रही है कि हो क्या रहा है और करना क्या है। पब्लिक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक तो वही ऑप्शन है जो 45 साल से हम चुनते चले आ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम सड़कों पर हैं, उसके बावजूद भी हम रोड पर हैं। ना तो बद से बदतर हाल हो ही चले आ रहा है और हो रहा है, और हो सकता है आगे इससे भी ज़्यादा बदहाल हो सकता है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उन्होंने भी गरीब आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा है। जो 40-45 साल से राज कर रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने आज तक कुछ नहीं सोचा था। कांग्रेस यहाँ पर सरकार बना चुकी थी, कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने आज तक गरीब आवाम के बारे में नहीं सोचा। अब यहाँ पर जो है एक नौजवान क़यादत की ज़रूरत है, एक आम इंसान की ज़रूरत है जो आम इंसान का दर्द समझ सके, जो आम इंसान को सुविधाएँ दे सके, क्योंकि हम लोगों को सुविधाओं की ज़रूरत है। अब हिंदू मुस्लिम की ज़रूरत नहीं है, बहुत हो गई हिंदू और मुस्लिम की राजनीति, बहुत हो गया बहस, बहुत हो गए इन लोगों के अपने कारोबार, क्योंकि राजनेताओं ने अपने कारोबार संभाले हैं, अपनी गद्दियां संभाली हैं। हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ है आज तक इन चुनावों में, हम आज तक तो पिसते ही चले आए। आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। आप यहीं रहती हैं? जी, मैं रामपुर में रहती हूँ, लेकिन हाँ मुझे इतना तमीज़, इतना सलीका है कि चल क्या रहा है और होना क्या चाहिए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आपकी बातों से। कम से कम राह चलते आप रुकी। जी, मैंने आपको इसीलिए रोका, मैंने सोचा मैं अपनी बात तो रखूं कम से कम, नहीं चार लोगों के बीच में मेरी बात भी तो पहुंचना चाहिए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो आप पर्दा नशी होते हुए भी, लोग कहते हैं आप लोग बातें नहीं करते, वैसे रामपुर का मेरा अनुभव अलग है। पर्दा एक अपनी चीज़ है, पर्दा एक अलग चीज़ है। वो हम अपने इस्लाम में हैं तो वो हमें ना तो राजनीति रोक रही है, ना हमें आम माहौल रोक रहा है। वो तो आपका अपने ऊपर है कि आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वो छोड़ दीजिए। मुझे अच्छा ये लगा कि आप अपनी पूरी बात रखने के लिए खुद से रुकी और आपने बात रख ही रही थी यहाँ से, लेकिन मैंने आपको देखा कि आप और लोगों को रोक रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी बात रखूं। हाँ, एक मिनट, तो आप क्या सियासत कर चैनल के माध्यम से अपना एक मैसेज पहुँचा सकूँ? बिल्कुल, आप जो बोलना चाहें। और आप सियासत में इंटरेस्ट भी रखती? नहीं, मैं सियासत में इंटरेस्ट नहीं रखती। और आप? लेकिन मैं सोचती हूँ कि सियासत में इंटरेस्ट रखना और ना रखना एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको लग रहा है ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है ना? ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन हो तो क्या, ये लोग चाहते भी नहीं। बड़ी बात ये है, क्योंकि आज तक इन लोगों को बेहतर मिला ही नहीं है। इन लोगों को एक बदतर शख्स मिला था, अब उनसे ज़्यादा बदतर आ गए, तो इन लोगों के पास कोई चारा नहीं है कि ये करें तो करें क्या। मैं ये अभी मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आजम खान ने ज्यादतियाँ नहीं की हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उनके साथ हो नहीं रही हैं। बहुत बुरी ज्यादतियाँ की हैं कि लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकते कि क्या ज्यादतियाँ की हैं, लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते। जो घर तोड़े गए थे, जो हालत यहाँ पर हुई थी, वो आपसे और मुझसे छुपी हुई नहीं है, पूरे आवाम से, पूरे रामपुर से छुपी हुई नहीं। सभी जानते हैं कि क्या हुआ था, और सभी जानते हैं आज किस चीज़ का फल भुगता जा रहा है, आज किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। हर इंसान को पता है कि गरीबों के हाय में है, हर इंसान को पता है कि गरीबों को बदहाल जो किया था, तो आज वो नौबत पर खुद आ गए। आज उन्होंने ये कहा था ना, कल हम उनकी हमें ज़रूरत थी, जिस वक्त NRC के CAA के मुद्दे पर उनको बुलाया गया था, तो वो मैं ये नहीं मान सकती कि वो जेल में थे, वो जेल में नहीं थे। जेल वो फरवरी में गए हैं, लेकिन NRC का मुद्दा दिसंबर में निकला था। उनके पास यहाँ के रामपुर की आवाम पहुँची कि NRC पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने उस पर ये कहा कि हमसे तो अपनी नहीं संभल रही है, तो हम आपको क्या देखें। तो आपने हमारी जिम्मेदारी ली ही क्यों थी, आप हमारे बीच आए ही क्यों थे, जब आपसे अपनी ही नहीं संभल रही तो आप राजनीति क्यों नहीं छोड़ देते। आप राजनीति में परिवार बात कर रहे हैं, राजनीति पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, किसी नए को मौका नहीं दे रहे हैं। आप आना चाहती हैं? मैं बेहतर सोचना चाहती हूँ, बस जो बेहतर हो उसके साथ रहना चाहती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली के अंदर जो सरकार काम कर रही है आम आदमी पर, आम मुद्दों पर काम किया है, सुविधाओं पर काम किया है, ना हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ना ये हो रहा है कि रातों को बाइक वाले बिजली वाले। आपकी बात मैं मानता हूँ, आप उस पार्टी से जुड़ी हैं या जुड़ना चाहती हैं या उसको बेहतर मानती हैं? मैं बेहतर मानती हूँ। अब मैं कहता हूँ,
वही अरविंद केजरीवाल जो शाही इमाम का समर्थन लेने के लिए उनका लेटर जारी होता है तो उसको वो फाड़ के फेंक देते हैं और कहते हैं कि इमाम साहब इमामत करें, वही अरविंद केजरीवाल जब लक्ष्मी गणेश का फोटो लगवाने की बात करने लगते हैं, जब वो हनुमान चालीसा करने लगते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो भी वो सियासी फितरत उनकी भी उनकी वो सियासी फितरत नहीं है, उन्हें वो सियासी मुद्दों पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई विकल्प है भाजपा का तो आपको ये पता होगा कि आम आदमी पार्टी है, क्योंकि दो जगह पर जो दिल्ली में और पंजाब में सरकार चल रही है तो बेहतरीन सरकार चल रही है, अब इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता बदनाम करने के लिए तो ये कुछ भी लाकर छोड़ देते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि अजमेर जाने में भी अरविंद केजरीवाल जी गरीबों का मदद करते हैं, साथ देते हैं, उन्हें वहाँ तक पहुँचाते हैं। यहाँ तो कैंडिडेट नहीं मिला। इस बार पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है, लेकिन इंशाल्लाह आगे उतारेगी और हम उनके साथ देंगे और कुछ बदलाव करने की सोचेंगे शायद।